के मुद्दे पर अपनी बात पहुंचिए। जैसा कि हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनका दर्द कोई नहीं समझता। आप कहां से आए थे सर? बेसिकली पूर्णिया, 400 किलोमीटर दूर। पूर्णिया से चलकर यहां पर गांधी मैदान में पहुंचे हुए और सबका बात लगा रहे हैं। बिहार पुलिस के 391 NCLEW के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन आज होने वाला 27 नवंबर 2024 को, और सुबह से गांधी मैदान में बैठे हुए बच्चे और लगातार यहाँ पर खड़े और सबसे एक ही आंदोलन कर रहे हैं कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी गर्दनीबाग पहुंचे। तो सर आपका मतलब कि आप 400 किलोमीटर दूरी पूर्णिया से आप यहाँ चल कर आए हैं, मतलब कि आप आपका दर्द कब सुनेंगे CSP से? कल तो आप सुबह से शाम तक लगातार चिल्ला रहे थे पर अभी तक बात नहीं माना, क्या लग रहा है आज बात होगा? मेरा गला बज गया कल से चिल्लाते चिल्लाते, आप देख ही रहे ठीक ना। हम जो है कि 3 बजे रात तक पढ़ाई किए हैं ठीक ना, तो 5 साल पढ़ाई किए हैं तो 5 दिन और काम करने में क्या जाता है ठीक ना। और बच्चे ऐसे नहीं है सर, मूर्ख हैं, सब जागरूक हैं सर, सब जानते हैं कि इस बात को अगर नहीं उठाया गया तो 9 दिसंबर के बाद अगर पहला बैच को छांट दिया ना तो हर एक बैच को छांटेगा। और लड़की लोग से निवेदन है कि उन लोग को लगता है कि लड़की देकर छोड़ देगा, नहीं, लड़की लोग में भी जिसके पास OBC NCL नहीं है, EWS नहीं है, सबको छांट देगा, सबको, लड़का लड़की सबको, कोई आरक्षण प्रक्षण नहीं। और दूसरी बात, जनरल में नहीं डालेगा, क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम पास किया है OBC NCL में, और आपको जनरल में डालेगा? नहीं डालेगा, पक्का छांटेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं गिरता है CSBC के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार का, अगर नोटिफिकेशन नहीं गिरता है। आपके पिता क्या करते? मेरे पिता साइकिल दुकान चलाते हैं। सोचिए मतलब कि इनके पिता साइकिल का दुकान चलाते हैं और बेचारा ये लगातार मतलब कि गर्दनीबाग में भी हम कल देखे सुबह से शाम ही लगातार थे। कहाँ पर रात आपका कहाँ पर बिता? सर यहीं पे, मतलब एक दोस्त के यहाँ। हाँ, दोस्त के यहाँ। दोस्त के यहाँ बिता, और सुबह से मतलब कि एक नारा बेचारा लगा रहे हैं कि सभी लोग जल्दी से जल्दी गर्दनीबाग पहुंचिए। और आप क्या CSBC से क्या मांग कर रहे हैं कि आज आपको फैसला मिल जाएगा? आखिर एक नोटिफिकेशन गिरा दे कि जो करंट लागू दस्तावेज है उसको भी लिया जाएगा, पुराना भी लिया जाएगा ठीक ना। बस एक नोटिफिकेशन 2 लाइन का होता है, वो गिरा दे, बस हम लोग का आंदोलन बंद हो जाएगा। क्योंकि पूरा वो साफ साफ बोल चुके हैं पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस में कि नोटिफिकेशन पहले को बच्चा को देख लेना चाहिए था। और उनका कहना है कि अपने पूर्वज से जाके पूछिए, अपने भैया से पूछिए, अपने भाजी से, भाभी से पूछिए कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। ये कोई नॉनसेंस वाला बात है ना, ये नॉनसेंस वाला बात है, बेवकूफ वाला बात है ठीक। और नोटिफिकेशन में आपको हम दिखाते हैं सर, वहाँ पे लिखा हुआ है 1991 अधिनियम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग जाति को आरक्षित किया जाएगा। इस लाइन से कहाँ मतलब साबित होता है कि आपको 20 जुलाई 2023 से पहले का नोटिफिकेशन दस्तावेज होना चाहिए? जो बच्चे गर्दनीबाग नहीं पहुंचे उनको लिए क्या बोलना चाहिएगा? अलग अलग जिला से बच्चे भी नहीं पहुंचे, गर्दनीबाग नहीं पहुंचे हैं, ये लड़ाई उनकी है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो 9 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपका दर्द का जो दर्द है ना वो आपको निकल जाएगा। अगर बच्चा का जनसंख्या सर होता है ना तब ये कुछ। कल हम रोशन आनंद सर के पास गए तो बोला देखो बाबू हम सब कुछ कर सकते हैं, हम 5 जगह लड़का जो आए हैं पूर्णिया से रोशन आनंद सर से मिले तो बोले कि ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चा का जनसंख्या नहीं होगा ना तो मेरा भी वैल्यू नहीं है ठीक ना। तो बच्चा का जनसंख्या ही मेन चीज है सर, तब जाके कोई भी टीचर कुछ कर सकते हैं। इन्होंने साफ कहा कि इनका दर्द कौन समझेगा, रात के 3 बजे तक पढ़ाई किए बच्चे और आज फिर से अपना CSBC की ओर जा रहे हैं। ठीक है, निकल रहे हैं गर्दनीबाग पहुंचिए बस। ठीक है, धन्यवाद जी।